दो तीन दिन के बाद ज्यादा ये दिखाई देखो सर ये लॉस होना है नीचे यहाँ तक यहाँ से निकाला पहले तो ये बाग से जवान है और ये साइज का छोटा है इसमें आप एंटी हेलमेट भी कर सकते हैं हमको ये यहाँ तालाबारी हुई तो हमने उस वक्त भी एग्रीकल्चर सर को इन्फॉर्म किया कि आप मंडे डिस्पाइट हॉलीडे आप जाओ और आप इसको एसेस कर लो और उन्होंने मेरी एक रिपोर्ट हमने लिखा है लेकिन हम खुद आना चाहते थे हम देखना चाहते थे ग्राउंड रियलिटी क्या है तो जब मैं यहाँ देखा कि आप खुद भी देख रहे हैं जो यहाँ के सेब के दरख्त हैं पूरे ऊपर से इनके पत्ते पूरे जड़ गए हैं और जो सेब है मुझे लगता है ये 100% डैमेज है ये ग्रेड भी नहीं रहा है ये क्योंकि ये मार्केट के लायक नहीं रहा है तो ये बदकिस्मती है हमारी हमदर्दियाँ बागवालों के साथ है और हम कोशिश भी करेंगे कि यहाँ इनको सही रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि साल भर की मेहनत है ज़ाया हुई है अप्रैल मई में भी इसकी तालाबारी हुई तब चलो उसका वो जो ज़ख्म हुआ पूरा हुआ था अब अगर बी ग्रेड ही था लेकिन ठीक था अब आज तो ये ख़त्म ही होगा इनकी साल भर की मेहनत ही ख़त्म हो हम ज़रूर चाहेंगे कि इनको ठीक रिलीफ भी मिलना चाहिए और जो केसीसी लिया है किसी किसान ने यहाँ से उनका हम कोशिश करेंगे रिकमेंड भी करेंगे कि कम से कम इफेक्टेड जो चार्जिस्ट हैं उनका माफ़ होना चाहिए या मेरेटोरियम उसका पीरियड बढ़ना चाहिए। बाकी जहाँ तक डिपार्टमेंट का सपोर्ट का ताल्लुक है मैंने अपने CHO से बता दिया है कि जो भी कोई इंसेंटिव किसी मैकेनाइजेशन में देना है ज़रूर देंगे जो भी हाई डेंसिटी करना चाहेंगे इन आर्चार्डस में कोई ज़मींदार ज़रूर कर लेंगे प्रायोरिटी में कर लेंगे और जो फसल बीमा योजना है उस पर भी पिछले 2 साल से सोच विचार चल रहा है अभी इंश्योरेंस कंपनियां सामने नहीं आ रही है लेकिन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑनरेबल हैं जनाब नरेंद्र सिंह तोमर साहब उन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया है कि आपको जितना भी सपोर्ट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से हम देने के लिए तैयार हैं ताकि जो फसल बीमा योजना है ये कामयाब रहे और इसमें यही है कि इसमें प्रीमियम का इशू रहता है कि प्रीमियम शायद किसान उतना बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो ज़रूर हम रिकमेंड करेंगे कि एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट एक यहाँ की UT सरकार अगर कर ले इसमें बर्दाश्त तो तब ये पॉसिबल है और चाहेंगे कि एक ऐसा मॉडल बने जो हर एक को एक्सेप्टेबल हो इवन इंश्योरेंस कंपनीज़ को एक्सेप्टेबल हो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज़ को एक्सेप्टेबल हो क्योंकि उनको ही सामने आना है उसमें जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसको भी हम रिविजिट कर रहे हैं हमारे जो वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उसमें बड़े पर्टिकुलर हैं आज भी उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस है कि आप ऑन ग्राउंड जाओ और देख लो कि नुकसान का क्या तखमीना है तो हमें उम्मीद है कि ज़रूर इनको रिलीफ मिलेगा। देखिए जो यहाँ के जो एरियाज हैं वो काफ़ी डैमेज हो गए जो कि एप्पल के और हैं या बाकी पैडी फील्ड्स हैं वो सारा मतलब 100% उसका डैमेज हो गया। अब यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर के भी आए थे उन्होंने विजिट किया उन्होंने खुद आके देखा है कि सेबों का क्या हालत है तो उन्होंने उसको 100% डैमेज का ये किया है अनाउंस। तो अब हम गवर्नमेंट भी अपील कर रहे हैं कि जो भी यहाँ के फ्रूट ग्रोअर्स हैं उनको काफ़ी सारा नुकसान हो गया उनका जो ये सोर्स ऑफ इनकम है यही है एप्पल्स ही हैं तो उनको गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं कि उनके लिए ये 100% कंपनसेशन 100% डैमेज के लिए जो भी कंपनसेशन होगा वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा जल्दी जल्दी और जो भी स्कीम्स होंगे हॉर्टिकल्चर के वो इनको प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी और जो इनके जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं उन्होंने काफ़ी मतलब मैक्सिमम लोगों ने ये KCC लोन उठा के इन बागों की परवरिश की है तो उस चीज़ का हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो इसका वेव ऑफ ही KCC लोन का वेव ऑफ करें या डेट एक्सटेंड करें। थैंक यू।